चेचकप्पी पंचायत के खिलाड़ियों को मुखिया रीता देवी ने जर्सी वितरण कर खेलने के लिए हजारीबाग रवाना किया। बरकट्ठा प्रखंड के चेचकप्पी पंचायत के मुखिया रीता देवी ने फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्सी और अपना बेलोरो गाड़ी के माध्यम से हजारीबाग खेलने के लिए रवाना किया। बताते चले कि मुख्यमंत्री फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत कुछ दिन पूर्व बरकट्ठा अबडार स्टेडियम में चेचकप्पी पंचायत गौड़ा को हरा कर विजय हुआ था, जिसके बाद आज पुनः चेचकप्पी पंचायत का हजारीबाग में मैच है। आज यदि चेचकप्पी पंचायत विजय होती है तो 13 तारीख तक पंचायत के खिलाड़ी वहीं खेलकर फाइनल मैच खेलेंगे, जिसके बाद विजेता टीम को राज्य स्तरीय खेल में खेलना है। मुखिया रीता देवी ने कहा, पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सुनील मुर्मू ने कहा कि हम लोग प्रयास करेंगे कि आज हजारीबाग में जीत दर्ज कराने का और अपना क्षेत्र का नाम रोशन करने का। फुटबॉल कोच प्रदीप सिंह ने कहा कि हम कहते नहीं हैं बल्कि करने पर विश्वास करते हैं। चेचकप्पी पंचायत गौड़ा पंचायत को हराकर विजय हुई है, इससे क्षेत्र का काफी नाम रोशन हुआ है। अब हमारी टीम जिला स्तरीय खेल में भाग लेने जा रही है। हमारा टीम का पूरा प्रयास रहेगा जीत दर्ज कर क्षेत्र का नाम रोशन करे। कस्तूरबा विद्यालय बरकट्ठा के छात्राएं को भी फुटबॉल मैच खेलने के लिए आज हजारीबाग मुखिया रीता देवी के द्वारा रवाना किया गया है। मौके पर मुखिया रीता देवी, पंचायत समिति सदस्य सरजू मुन्नी देवी, उप मुखिया ममता देवी, मुखिया प्रतिनिधि टेकलाल साव, सूजन बास्के, दुर्गा सिंह, गणेश मुर्मू, रविन्द्र ठाकुर, राजू मुर्मू, रामकृष्ण कुमार के साथ कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए बरकट्ठा से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। देने चाहेंगे क्योंकि हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब है, जो जाने के लिए हजारीबाग तक पहुंचने के लिए उनके पास सुविधा नहीं है, लेकिन मुखिया के आशीर्वाद से हम लोग को एक फ्री सेवा के रूप में गाड़ी दी हुई है और वही बोलेरो को लेकर के अभी हम लोग खेलने के लिए कर्जन रोड जाएंगे। वहाँ कितना दिन आप लोग का मैच है? आज अगर जीते तो हम लोग फाइनल तक 13 तक खेल के आएंगे। अच्छा अच्छा जी, तो वहीं रहना है आज का आना है और रहने का अगर वहाँ व्यवस्था मिलेगा तो वो रह सकते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ज़्यादा बोलने पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम सिर्फ करने पे ही विश्वास रखते हैं। हम इस पंचायत को लड़के लोग को दो बार हम जिला में विजय करवा चुके हैं, इस बार तीसरा का है, उम्मीद है कि पूरा होगा, इस बार भी हम लोग जिला में विजय। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे चेचकप्पी पंचायत के खिलाड़ी भाई बहन सभी ने झारखंड सरकार द्वारा हम लोग को पंचायत स्तरीय खेल का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पंचायत के भाई बहन जीत की हासिल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी जिला तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं चाहती हूँ सभी भाई बहन को कि जिला लेवल तक नहीं, राज्य लेवल तक पहुँचे और उसका जितना भी साथ सहयोग चाहिए मैं उसका साथ सहयोग में रहूँगी। सभी भाई बहन को, अपने पंचायत के जितने भी खिलाड़ी सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसलिए मैं अपने निजी वाहन भेज रही हूँ और अपने खिलाड़ी भाई बहन के लिए जर्सी बनवाई हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी खिलाड़ी भाई बहन को शुभकामनाएं देती हूँ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।